वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं कि आज हम बड़े गर्व के साथ सरस्वती शिशु मंदिर का 50 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम हम सभी इकट्ठा हुए। बहुत कम विद्यालय ऐसे होते हैं जहां 50 वर्ष के बाद ऐसा भव्य कार्यक्रम होता है जैसा अभी तक हमने देखा। जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि सरस्वती शिशु मंदिर में क्या क्या सिखाया जाता है। सरस्वती शिशु मंदिर में धर्म क्या है, अधर्म क्या है सिखाया जाता है। सरस्वती शिशु मंदिर में प्राणियों में सद्भावना हो यह भी सिखाया जाता है। विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो, यह भी सिखाया जाता है। आपके विद्यालय में सिखाया जाता है कि एक सबल भारत का निर्माण कैसे होगा। आपके विद्यालय में सिखाया जाता है एक संपन्न भारत का निर्माण कैसे होगा। सरस्वती से सिखाया जाता है एक स्वस्थ भारत का निर्माण कैसे होगा। हम सब ने भी योग देखा है। सरस्वती शिशु मंदिर में सिखाया जाता है एक समृद्ध भारत कैसे बनेगा, एक साक्षर भारत कैसे बनेगा, एक संपन्न भारत कैसे बनेगा, एक सुरक्षित भारत कैसे बनेगा, एक समावेशी भारत कैसे बनेगा, एक स्वावलंबी भारत कैसे बनेगा, एक संवेदनशील भारत कैसे बनेगा, एक भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, ये सिखाया जाता है सरस्वती शिशु मंदिर में। भारत जिन समस्याओं से परेशान है, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद, अगर उसका पूरा समाधान यहां सिखाया जाता है किसी विद्यालय में तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया वो सरस्वती शिशु मंदिर में सिखाया जाता है। आज लगभग 25,000 के आसपास कुल विद्यालय हो चुके हैं। अभी माननीय खंडेलवाल जी ने बताया कि 13,000 विद्यालय तो अपने शिशु मंदिर के हो गए, इसके अलावा एकल विद्यालय हो गए, तो टोटल 25,000 विद्यालय हो गए। संख्या लाखों में पहुंच चुकी है, आने वाले समय में ये करोड़ों में पहुंचे, इसके लिए मैं अपनी शुभकामना देता हूं। लेकिन शिक्षा के ऊपर मैंने कुछ अपनी याचिका PIL भी फाइल किया हुआ है, कुछ हाईकोर्ट में चल रही है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसके बारे में जरूर मैं बताना चाहूंगा। अल्टीमेटली शिक्षा का उद्देश्य यह है कि जो ऊपर वाले को पसंद हो वो सारे संस्कार बच्चों के अंदर आ जाए। ऊपर वाले को सच पसंद है या झूठ, जोर से बोलिए जरा, सच। तो बच्चा क्या सीखना चाहिए, सच। ऊपर वाले को हिंसा पसंद है या अहिंसा, अहिंसा। तो बच्चे को क्या सीखना चाहिए, अहिंसा। ऊपर वाले को चोरी पसंद है कि ईमानदारी, ईमानदारी। तो बच्चे को क्या सीखना चाहिए, ईमानदारी। तो कायदे से जो कुछ ऊपर वाले को पसंद है, जो कुछ भगवान को पसंद है, वो सब कुछ विद्यालय में सिखाया जाता है। विद्यालय में सिखाया जाता है, जोर से बोलिए, धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब ये होगा कैसे, ये होगा जब हमारी शिक्षा पूरी तरीके से धर्म मूलक होगी। हम लोग 75 वर्ष के बाद अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ तो मना रहे। एक कड़वी सच्चाई ये भी है
कि अभी भी कहीं ना कहीं गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। आपके सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा का भारतीयकरण हुआ, लेकिन बाकी स्कूलों में नहीं हुआ। इसीलिए मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि भारत में अब यह मल्टी बोर्ड सिस्टम खत्म किया जाए और भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाया जाए, और कम से कम दसवीं तक ना गुलामी की भाषा हो, कोई विदेशी भाषा नहीं हो, ना कोई विदेशी इतिहास हो, भाषा भी हमारी भारत की हो, इतिहास भी हमारा भारत को हो, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है वो कम से कम दसवीं तक सबके लिए अनिवार्य किया जाए। अगर एक रेलवे से पूरे देश में रेलवे चल सकती है तो क्या एक पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। चल सकता। अरे भाई, एक रेलवे बोर्ड दिल्ली में हो कि उसके डिविजनल बोर्ड, डिविजनल ऑफिस अलग अलग राज्यों में होते, तो ऐसे एक भारतीय शिक्षा बोर्ड दिल्ली में होगा, सारे राज्यों में उसके डिविजनल ऑफिस हो जाएंगे, स्टेट के ऑफिस हो जाएंगे, खत्म बात हो गई। आखिर जब केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, नवोदय स्कूल का पूरे देश में एक हो सकता है, तो वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड भी हो सकता है, वन नेशन वन सिलेबस भी हो सकता है। हाँ, गुजरात वाले गुजराती में पढ़े, बंगाल वाले बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़े। एक मैंने और पीआईएल फाइल किया कि आखिर जब संविधान कहता है कि तीन भाषा पढ़ाइए, और हम पढ़ाते भी हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, तीसरी भारतीय भाषा पढ़ाने की बजाय हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, चलो ठीक है अंग्रेजी भी पढ़ सही, लेकिन ये जो भारतीय भाषा तीन भाषा पढ़ा रहे उसमें प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे? आखिर हिंदी सिखाने के लिए बच्चों को प्राइवेट किताबें क्यों पढ़ाना? आखिर हमारा उद्देश्य है कि हमारा बच्चा अलंकार सीखे, व्याकरण सीखे, हिंदी लिखना सीखे, हिंदी बोलना सीखे, ये सिखाने के लिए कोई प्राइवेट किताब चलाने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी ने रामायण रामचरितमानस की रचना किसमें किया है? किसमें किया? हिंदी में। कुल उसमें 7 कांड है। कक्षा 1 में बच्चा क ख ग घ सीख लेता है। अगर कक्षा 2 से हम एक एक रामचरितमानस का कांड पढ़ाना शुरू करें, 8वीं तक सभी बच्चों को पूरा रामचरितमानस आ जाएगा, रामचरितमानस सीख जाएंगे। उसका फायदा क्या होगा? राम लक्ष्मण कैसे रहते थे, राम भरत रहते थे, राम कितने आज्ञाकारी थे, माता के कितने आज्ञाकारी, पिता के कितने आज्ञाकारी, वो सब कुछ बच्चा सीखेगा। तो आप बताइए, हिंदी भाषा सिखाने के लिए प्राइवेट किताब पढ़ाने से बच्चे के अंदर ज्यादा संस्कार आएगा, या हिंदी भाषा सिखाने के लिए अगर रामचरितमानस लगा दिया जाए तो ज्यादा संस्कार आएगा? किसमें ज्यादा आएगा? जोर से बोलिए, रामचरितमानस में। अब कुछ लोग सोचते होंगे नहीं नहीं ये संत तो हमारे सेकुलर है। अरे सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्ष नहीं होता, का मतलब पंथ निरपेक्ष है। और रामचरितमानस धार्मिक पुस्तक है, यह किसी पंथ की पुस्तक नहीं है, यह धर्म की पुस्तक है। धर्म और पंथ में अंतर होता है। संस्कृत भाषा सीख पढ़ाई जा रही है, लेकिन संस्कृत भाषा में हम फिर वही प्राइवेट किताब पढ़ा रहे, काहे प्राइवेट किताब पढ़ा रहे? वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, वेद हमारे संस्कृत में है, पुराण हमारे संस्कृत में है। अगर संस्कृत भाषा सिखाना है उसमें वेद की ऋचाएं सिखाई जाए, वाल्मीकि रामायण सिखाया जाए, तो बच्चा संस्कृत सीखेगा और संस्कृत सीखते सीखते वेद ऋचा भी सीखेगा, गार्गी को भी पढ़ेगा, मैत्रेयी को भी पढ़ेगा, और जो हमारे ऋषियों ने उसमें अच्छी अच्छी ऋचाएं लिखी है उसको भी पढ़ेगा, अष्टांग योग को पढ़ेगा, यम नियम को पढ़ेगा, आसन प्राणायाम को पढ़ेगा। तीसरी भाषा हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, उद्देश्य क्या है? बच्चे को अंग्रेजी लिखना पढ़ना बोलना आ जाए।
अब अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना आ जाए इसके लिए प्राइवेट किताब क्यों पढ़ाना। यह भगवत गीता इंग्लिश में उपलब्ध है और दुनिया के कई देशों में भगवत गीता पढ़ाई जाती है, इवन जर्मनी में पढ़ाई जाती है। तो भगवत गीता में 18 अध्याय है, पहली में बच्चा क ख ग घ सीख लिया, दूसरी में बालको बालक सीख लिया, तीसरी में थोड़ा और धातु रूप सीख लिया। अब उसके बाद अगर हम उसको तीन तीन सिखाना शुरू करें तो दसवीं पास करते करते पूरी भगवत गीता सीख लेगा, कर्मयोग सीख लेगा, ज्ञान योग सीख लेगा, भक्ति योग सीख लेगा, राजयोग सीख लेगा, डेडिकेशन सीखेगा, डिसिप्लिन सीखेगा, डिटर्मिनेशन सीखेगा, डिवोशन सीखेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत में जो त्रिभाषा हम सिखा रहे हैं और त्रिभाषा में जो प्राइवेट किताब पढ़ाते हैं वो प्राइवेट किताब पढ़ाने की बजाय रामचरितमानस पढ़ाएं, वाल्मीकि रामायण पढ़ाएं, वेद पढ़ाएं, गीता पढ़ाएं। बच्चा तीन भाषा भी सीखेगा, भारत की संस्कृति भी सीखेगा, भारत की परंपरा भी सीखेगा, भारत का ज्ञान विज्ञान भी सीखेगा, माता पिता का आदर करना भी सीखेगा, भाई के साथ प्रेम से रहना भी सीखेगा। जो परिवार टूट रहे हैं ये टूटने से बचेंगे, संयुक्त परिवार व्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए अब समय आ गया है कि इस बात पे चिंतन होना चाहिए, क्योंकि यहां बहुत सारे शिक्षक बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग विद्यालय के प्रधानाचार्य बैठे हुए हैं। ये हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। भारत का संविधान कहता है भारत की संस्कृति मजबूत करो, भारत की परंपरा मजबूत करो, भारत का जीवन दर्शन मजबूत करो, भारत के ज्ञान विज्ञान को मजबूत करो। और भारत के ज्ञान विज्ञान को मजबूत करने के लिए प्राइवेट किताब की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे पास वेद पुराण गीता रामायण रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण है। भारत में अभी स्वास्थ्य के ऊपर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अगर दसवीं तक योग को अनिवार्य कर दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं यह स्वास्थ्य का बजट 50% डाउन हो जाएगा, 2,00,000 करोड़ का 1,00,000 करोड़ हो जाएगा। लोग जीवन शैली सीख लेंगे, अल्पाहार कब करना और क्या खाना, दोपहर में क्या खाना क्या नहीं खाना, शाम को कब भोजन करना, तन रहेगा मन भी स्वस्थ रहेगा। और जब तन मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो अपराध होगा, आखिर सारी ड्यूटी अपराध कम हो, अपराध नियंत्रण कम। प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों पे वो योगी बनेगा, योग करना सीखेगा। अल्टीमेटली जो हमारा व्यवहार होता है इस बात पर करता है, आंखों से क्या देखते सुनते हैं, मुंह से क्या खाते हैं, यही तीन चीज कंट्रोल है, आंख मुंह और कान, तो हमारा सोच ठीक हो जाएगी, हमारा व्यवहार ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने एक पीएल फाइल किया, अब भारत में दसवीं तक योग अनिवार्य किया जाए, और हमें खुशी है इस पे सरकार काम भी कर रही है, इस पे काफी कुछ काम हो चुका है, लेकिन इसमें समाज की सहभागिता की भी जरूरत है और समाज को इस विषय को सोचने की भी जरूरत है। हम इतिहास आज भी गुलामी वाला पढ़ा रहे, काहे लिए पढ़ाना, पानी पढ़ाना भाई, गुलामी का इतिहास पढ़ के क्या हमें अच्छा लगता है क्या? इतना गौरवशाली इतिहास है, उस गौरवशाली इतिहास को पढ़ाने की बजाय एक से बढ़कर हमारे यहां एक वैज्ञानिक हुए उनको पढ़ाने की बजाय आज भी हम गुलामी की शिक्षा, एक आदमी आके डार्विन ने, हमारे पूर्वज बंदर थे, आप में किसके किसके पूर्वज बंदर थे जरा हाथ उठाइए, तो किसके पूर्वज बंदर थे हाथ उठा के बताइए, और जिसके नहीं थे हाथ उठाइए, हमारे नहीं थे,
जिसके इसके नहीं थे ऐसे हाथ करिए, नहीं थे। हाँ, एक आदमी बोल के चला गया कि हमारे अंदर थे, हमने कभी दिमाग नहीं लगाया सर कि ऐसे अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो वो डार्विन तक ही बंदर इंसान क्यों बने। अगर वास्तव में बंदर इंसान बन रहे थे तो डार्विन के बाद भी बनते। अगर डार्विन के पहले थोक में बंदर इंसान बन रहे थे तो डार्विन के बाद थोड़े थोड़े बनते। ऐसा क्या हुआ डार्विन गया और बंदर और इंसान बनना छोड़ दिया? क्या क्या इतिहास पढ़ा दिया, क्या क्या विज्ञान पढ़ा दिया। आज के हजारों साल पहले महर्षि भारद्वाज पुस्तक विमान से विमान कैसे बनाया जाएगा लिखा हुआ है, पायलट का ड्रेस क्या होगा यह भी लिखा हुआ है, और लेकिन हमें नहीं पता। हमें लगता है कि नहीं राइट ब्रदर ने ही हवाई जहाज ढूंढा, उसके पहले हवाई जहाज था ही नहीं। अब उसके पहले हवाई जहाज नहीं था तो फिर वो रावण लंका से कैसे आ गया, लंका से अपने पुष्पक से युद्ध कह के का ननिहाल जहां से माता कह के ही आई थी वहां युद्ध करने गया हुआ था। दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हैं, महर्षि अंगिरा को नहीं पढ़ रहे, महर्षि अक्षपाद को नहीं पढ़ते, महर्षि अगस्त को नहीं पढ़ते, महर्षि अग्निवेश को नहीं पढ़ते, महर्षि अजातशत्रु को नहीं पढ़ते, महर्षि अत्रि को नहीं पढ़ते, महर्षि अष्टावक्र को नहीं पढ़ते, को नहीं पढ़ते, महर्षि कर्ण को नहीं पढ़ते, महर्षि कपिल को नहीं पढ़ते, महर्षि कश्यप को नहीं पढ़ते, महर्षि कात्यायन को नहीं पढ़ते, महर्षि कृपाचार्य को नहीं पढ़ते, महर्षि गर्ग को नहीं पढ़ते, महर्षि गोविला को नहीं पढ़ते, महर्षि गौड़पाद को नहीं पढ़ते, महर्षि च्यवन को नहीं पढ़ते, महर्षि जमदग्नि को नहीं पढ़ते, महर्षि जैमिनी को नहीं पढ़ते, महर्षि दधीच को नहीं पढ़ते, महर्षि देवल को नहीं पढ़ते, महर्षि धौम्य को नहीं पढ़ते, महर्षि पराशर को नहीं पढ़ते, महर्षि पुलस्त को नहीं पढ़ते, महर्षि भारद्वाज को नहीं पढ़ते, महर्षि भरूच को नहीं पढ़ते, महर्षि भृगु को नहीं पढ़ते, महर्षि गौतम को नहीं पढ़ते, महर्षि मैत्रायण को नहीं पढ़ते, महर्षि याज्ञवल को नहीं पढ़ते, महर्षि रैक को नहीं पढ़ाते, महर्षि लोमस को नहीं पढ़ाते, महर्षि वशिष्ठ को नहीं पढ़ाते, महर्षि वात्स्यायन को नहीं पढ़ाते, महर्षि वामदेव को नहीं पढ़ाते, महर्षि वाल्मीकि को नहीं पढ़ाते, महर्षि विश्रवा को नहीं पढ़ाते, महर्षि विश्वामित्र को नहीं पढ़ाते, महर्षि व्यास को नहीं पढ़ाते, महर्षि सर्वंग को नहीं पढ़ाते, महर्षि सुखदेव को नहीं पढ़ाते, महर्षि सत्यकाम को नहीं पढ़ाते, महर्षि जावाल को नहीं पढ़ाते, महर्षि सुतीश को नहीं पढ़ाते, महर्षि सुमंग को नहीं पढ़ाते, महर्षि हिरणोम को नहीं पढ़ाते, महर्षि मरीज को नहीं पढ़ाते, महर्षि अंगिरस को नहीं पढ़ाते, महर्षि पुलस को नहीं पढ़ाते, महर्षि क्रतु को नहीं पढ़ाते, महर्षि सुनक को पढ़ाते, महर्षि कणाद को नहीं पढ़ाते, महर्षि भास्कराचार्य को नहीं पढ़ाते, महर्षि चरक पढ़ाते, महर्षि कर्दम पढ़ाते, महर्षि पतंजलि को नहीं पढ़ाते, महर्षि सुसुप को नहीं पढ़ाते, महर्षि बौद्धायन को नहीं पढ़ाते, महर्षि सारंगधर को नहीं पढ़ाते, व्यास को नहीं पढ़ाते। ये जिन महर्षियों का मैंने नाम लिया है इसमें कोई फिजिशियन, कोई बहुत बड़ा बायोलॉजी का एक्सपर्ट, कोई बहुत बड़ा भौतिक विज्ञान का एक्सपर्ट, कोई बहुत बड़ा जंतु विज्ञान का एक्सपर्ट, बहुत बड़ा फिजिशियन, कोई बहुत बड़ा सर्जन, ये मैंने जो नाम लिए हैं ये भारत के फिजिशियन सर्जन वैज्ञानिक नाम लिए, लेकिन नहीं, आज भी वही चल रहा है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, हुमायूं। अच्छा, अगर इतिहास सिखाना है तो हमारे पास सिखाने वालों की कमी थोड़ी है। अगर इतिहास सिखाना है तो राम के पिताजी दशरथ, उनके पिताजी अज, उनके पिता नाभाग, उनके पिता ययाति, उनके पिता नहुष, फिर उनके पिता अम्बरीश, अग्निवर्ण, सुदर्शन, शंकर, रघु, कुकुश, भगीरथ, दिलीप, अंशुमान, असंगीत, भरत, ध्रुवसंधि, सुसंधि, मांधाता, युनास, धुंधुमार, दिक्षु, उनकी भी एक पूरी चयन है। अगर पढ़ाना है तो उनको पढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरा यह मानना है अब समय आ गया है भारत में वन नेशन वन सिलेबस लागू किया जाए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू किया जाए, वन नेशन वन करिकुलम लागू किया जाए,
और जो कुछ सरस्वती शिशु मंदिर ने, सरस्वती विद्या मंदिर ने, विद्या भारती ने अपने पिछले 50 वर्ष के एक्सपीरियंस के बाद जितना शोध किया है, अब समय आ गया है वो देश के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि विद्या भारती ने जो प्रयास किया है, सरस्वती शिशु मंदिर ने जो प्रयास किया है, वो भारत के अनुकूल है। और भारत के अनुकूल है तो सबको आना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। अगर हम चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरसृत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, अगर आप चाहते हैं ये व्यवस्था लागू हो, तो उसके लिए सबसे पहले शिक्षा का भारतीकरण करना पड़ेगा। सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा का भारतीकरण है, लेकिन बाकियों में तो नहीं है। अब बाकियों में नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र, जोर से बोलिए, सुरक्षा चक्र टूटा। सबकी सोच तब एक होगी जब सबकी शिक्षा धार्मिक होगी, सबकी सोच तब एक होगी जब सबका सिलेबस एक होगा, और संविधान दृष्टि से भी आवश्यक हो गया है। भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिले। आज की डेट में इंजीनियरिंग का पेपर कॉमन है, मेडिकल का पेपर कॉमन है, एनडीए का पेपर कॉमन है, क्लैट का पेपर कॉमन है। जब सबका पेपर कॉमन है तो सीबीएसई अलग क्यों पढ़ाए, आईसीएसई अलग पढ़ाए, यूपी अलग क्यों पढ़ाए, बिहार बोर्ड अलग क्यों पढ़ाए? दसवीं बारहवीं तक बच्चे अलग अलग पढ़ के आते हैं, बाद में कोचिंग में सबको एक जैसा पढ़ना पड़ता है। तो जब कोचिंग में सबको एक जैसा पढ़ना है तो दसवीं बारहवीं में सबका एक नहीं हो सकता। और जब सबका सिलेबस एक हो जाएगा तो ये महंगे सस्ते स्कूल में जो डिफरेंस है खत्म हो जाएगा। इसलिए संविधान भी यही कहता है कि भारत में समान शिक्षा लागू हो। और समान शिक्षा लागू करने के लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूं, आप भी प्रयास करिए। मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे देश में घूमता रहता हूं। पिछले वर्ष 115 जिलों में हमने प्रवास किया था, इस वर्ष आज मेरा 27वां जिला है, और संयोग से इस सप्ताह का 11वां जिला है। इस सप्ताह का आज शामली मेरा 11वां जिला है। पिछले साल, पिछले सैटरडे को सुबह मैं मुंबई था, शाम को कलकत्ता था, संडे को सुबह दिल्ली था, शाम को भिवानी था, मंडे को सुप्रीम कोर्ट में था, मंगलवार को सुबह उज्जैन था, शाम को इंदौर था, बुधवार को सुबह खंडवा में था, बृहस्पतिवार को सुबह जोधपुर में था, बृहस्पतिवार को शाम को मैं बाड़मेर में था, कल शुक्रवार को सुबह मैं बलोतरा में था, आज राजस्थान से आया हूं, आज आपके बीच हूं। मेरा लक्ष्य है भारत में राम राज्य की स्थापना, भारत में राम राज्य की स्थापना फिर से करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और राम राज्य का मतलब है धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। और ये धर्म की जय तभी होगी जब हमारी शिक्षा धार्मिक होगी, सबकी समान होगी, सबको तीन भारतीय भाषाओं का ज्ञान होगा। भारतीय भाषाओं में विदेशी पुस्तक पढ़ाने की बजाय, प्राइवेट पुस्तक पढ़ाने की बजाय, हमारी अपनी पुस्तक पढ़ाई जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, भगवान कृष्ण को धन्य प्रणाम करता हूं, इस श्यामली के पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, भगवान हनुमान जी को प्रणाम करता हूं जो भगवान कृष्ण ने यहां स्थापित किया था, और आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आपके बच्चे बड़े होके राम बने, लक्ष्मण बने, भरत बने, अर्जुन बने, भीम बने, युधिष्ठिर बने, और हमारी जितनी बेटियां हैं ये भी धर्मपरायण बने। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की जय।
समय के लिए बने रहे। श्रीमान और दिव्य वाणी से हम सभी का लक्ष्य भी है, तो एक बार कर्तव्य होने के साथ उनका अभिवादन करें।